अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कांग्रेसी पहले छोटे शिमला में इकट्ठा हुए, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में राजभवन की तरफ कूच किया और गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेस का कहना है कि अडाड़ी समूह की संयुक्त संसदीय समिति की जाँच हो। जितनी भी देश में आज कार्य हो रहे हैं, क्या अंबानी और अदानी रह गए, और भी बड़ी कंपनी इसमें काम करना चाहती थी, पर सबकी अनदेखी करके एक ही कंपनी को ये काम, चाहे वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कोई भी है, वो इन्हीं को दिया जा रहा है। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था, जिसके बारे में हमने कई बार पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात करने की कोशिश की, और हमने धरना प्रदर्शन भी किया, पार्लियामेंट में भी उठाई, और उसी तरह से हमने जहाँ जहाँ भी संभव था अपनी बात रखने की कोशिश की, पर हमारी बात को अनदेखा किया गया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार लगातार लोगों के साथ धोखा कर रही है। पीएम मोदी अपने अडाड़ी जैसे पूंजीपति मित्रों की मदद कर रहे हैं, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में भी ये मांग उठी कि खुलासा होना चाहिए, और संसद में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा जब बफर्स का मामला था, उस वक्त भी जेपीसी बनी, और बाद में सारे आरोप जो है झूठे पाए गए, और अभी सरकार जो है जेपीसी की मांग से डर रही। और आप लोग जानते हैं कि जेपीसी, उसमें तो तमाम पार्टियों के सांसद होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, और दूसरे जो विपक्षी दल है उनके भी सांसद होंगे। तो सरकार अगर इतनी पाक साफ है, अगर सरकार का दामन इतना साफ है, तो सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति के गठन से क्यों डर रही है। इस दौरान धरने में कांग्रेस के मौजूद और पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, अग्रणी संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल रहे।